दिल्ली में जो सबका साथ और सबके विकास किया एक सफर शुरू हुआ था, वो सफर 2019 तक पहुंचते पहुंचते सबके विश्वास में परिवर्तित हो गया। और वो सबके विश्वास को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के नेतृत्व में विकास का पहिया जो तेलंगाना तक पहुंचा है, उस विकास के माध्यम से आज विश्वास को अर्जित करने के लिए मैं तेलंगाना में आया हूं। और तेलंगाना में जो हमारे यहाँ पे सभी समुदाय के, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी समुदाय के बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी, किस हद तक उनके बीच में इस लाभ को पहुंचाया जा रहा है उसकी समीक्षा होगी। उस समीक्षा की बैठक के बाद गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दिया जाएगा कि यहाँ पर किसी समुदाय की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें हैं। और मैं तेलंगाना के आवाम, खासकर यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, जिस समाज से भी हो, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका विश्वास जीतने का सपना है, हम उस विश्वास को आपके बीच में अर्जित करेंगे विकास के माध्यम से। और ये यकीन रखिएगा कि हमारी तरफ से, केंद्र सरकार से जो विकास का पहिया चलेगा, वो बिना जात बिना धर्म किसी को भी सामने आने नहीं देगा, कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उदय ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।